हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप्राइज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने हमारे जो पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस और बायो से रिलेटेड जो टीईटी में टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो वीडियो जो भी सिलेबस से रिलेटेड है वो मैक्सिमम वीडियोस डालने की कोशिश की है। तो अभी कुछ जो टॉपिक्स थे जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री से छूटते थे वो अब हम इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आपने वो मैथ्स के वीडियोस देखे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपके लिए जो आने वाले जो वीडियोस हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी होंगे, वो जो आपको टीईटी में बेनिफिट देंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे जाके फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक पे उस पर आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाएगी। हमारा रोज़ एक नया वीडियो जो है आपके लिए मतलब अपलोड हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, तो आप उस यूट्यूब पे रोज़ जाके सर्च कीजिए। अगर आपने इसको बेल आइकन को दबाया है तो नोटिफिकेशन जो है जो भी नया वीडियो है वो आपको आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ नॉलेज जो है वो इससे मिल सके। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फिजिक्स से रिलेटेड। जो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन जो थे जो पहले उसमें टीईटी में आ चुके हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल के टेट के में आ चुके हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको पता चले कि कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए और कौन से सब्जेक्ट कहाँ से कौन सी क्लास से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल फ्लॉक रेस्ट एट इंक्लाइंड प्लेन ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1/√3, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी। ये क्वेश्चन है 11th क्लास की फ्रिक्शन चैप्टर से। तो फार्मूला सबसे पहले हमको आना चाहिए। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए फार्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। अल्फा हमने सॉल्व करना है, म्यू की वैल्यू हमें दी है 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू देगी tan इनवर्स 1/√3। तो tan कितने डिग्री की वैल्यूज होती है, 1/√3 होती है। अगर आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री सही तरह से नहीं पढ़ी है तब आपको वैल्यू नहीं आएगी। तो ये सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए तब आप इसकी वैल्यू को सही से जान सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो हमारे पास ऑप्शन है चार, ए है 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री एंड डी 15 डिग्री। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है सी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टू, कि इंडिया ने स्पेस क्लब कब ज्वाइन किया था। स्पेस क्लब ज्वाइन किया था जब उसने सबसे पहला सैटेलाइट जो था आर्यभट्टा स्पेस में भेजा था। तो उसकी जो सही तारीख है वो है 19 अप्रैल 1975। हमारे पास ऑप्शन है 1969, बी ऑप्शन है 1975, सी ऑप्शन है 1979, डी ऑप्शन है 1981। तो जो हमारा सही आंसर है वो है बी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट। अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की साइड पे जाते हैं, 10th क्लास का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है फिजिक्स उसमें पढ़िए, उसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दिया है। अगर उसमें नहीं मिलता है तो 12th क्लास के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाइए, उस चैप्टर को पढ़िए। अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो जो हमारी फोर फिंगर है वो डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर डिनोट करती है करंट को और थंब शो करता है मोशन को। तो जो हमारा जो सही आंसर है मिडिल फिंगर जो फोर फिंगर को किसको रिप्रेजेंट करती है वो है मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो है सही, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार ऑप्शन है, ए मैग्नेटिक फील्ड, बी है मोशन ऑफ द कंडक्टर, सी है इलेक्ट्रिक करंट एंड डी है वोल्टेज। तो सही आंसर हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो सही ऑप्शन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पे, कि एक्सरे मशीन की खोज किसने की थी। ये छोटे क्योंकि बचपन से जीके पढ़ते आ रहे हैं तो ये मैक्सिमम बच्चों को मैक्सिमम पता होता है, लेकिन फिर भी नहीं पता तो इस पे चार ऑप्शन दिए हैं हमको, हर्ट्ज दिया है,
हैरिस दिया है, बर्लिन दिया है और रोइंटजन दिया है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है डब्ल्यू रोइंटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोले फॉर 1 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द वेलोसिटी, टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो साउंड की वेलोसिटी है कितने टाइम बढ़ जाती है। तो उसका चार ऑप्शन दिए हैं, 1.06 मीटर पर सेकेंड, 0.067 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड एंड 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसका सही आंसर है वो है 0.61 मीटर पर सेकेंड, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। पहला हमको दिया है, फर्स्ट दिया है हमें माइक्रोन, माइक्रोन होता है 10^-6 मीटर। सेकंड हमें दिया है मिलीमीटर, मिलीमीटर होता है 10^-3 मीटर। थर्ड दिया है हमें एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10^-10 मीटर। और फोर्थ दिया है हमें फर्मी, फर्मी की वैल्यू होती है 10^-15 मीटर। तो सबसे छोटा है हमारे पास फोर्थ। उसके बाद आता है सबसे, अगर इसमें देखें तो आता है थर्ड एंगस्ट्रम, उसके बाद आता है माइक्रोन, लास्ट में हमारे पास रहता है मिलीमीटर। अगर हम इसमें चार ऑप्शन में देखें तो मिलीमीटर हमारे पास सबसे बड़ा है। ऑप्शन देखें इसमें तो हमारे पास 4, 3, 1 एंड 2, तो डी ऑप्शन जो है वो है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन द फॉलोइंग पेयर वन पेयर हैज़ डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, डायमेंशनल फार्मूला के लिए आपको 11th क्लास की बुक को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको डायमेंशनल फार्मूला पता चलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं। ए ऑप्शन है टॉर्क एंड वर्क, टॉर्क और वर्क का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला देखें तो लगभग सेम होता है। स्पीड, सी ऑप्शन देखें, स्पीड एंड वेलोसिटी डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। डी स्ट्रेस एंड प्रेशर, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी सेम होता है, सिर्फ बचता है हमारे पास बी ऑप्शन मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। तो जिसका आंसर है हमारे पास बी, जो सही आंसर है मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, जिनका डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखें, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज 282.8 न्यूटन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स विल बी। अगर हम इसमें सबसे पहले देखें, मान के चले हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ए एंड बी फोर्सेस मान के चलते हैं। हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी कॉस थीटा। हमें रिजल्टेंट दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हमें दी हुई है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस ए और बी दो फोर्सेस हैं, दोनों को ए मान लेते हैं। ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वेयर कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होते हैं जीरो, हमारे पास आ जाएगा 2a² प्लस जीरो, ये आ गया 282.8 न्यूटन। सबसे पहले थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, ये स्क्वेयर रूट को हटाएंगे तो ये सामने वाली वैल्यू जो स्क्वेयर हो जाएगी, ये देगा 282.8 स्क्वेयर जिकल टू, ये देगा 2a². अब इसके स्क्वेयर को हटाने के लिए सामने वाली साइड को स्क्वेयर रूट कर देते हैं,
ताकि हमारा टाइम जो है इसको स्क्वेयरिंग करने के लिए जो हमारा टाइम वेस्ट होता है उसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। हमारे पास अगर 282.8 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 ए। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ पे, अगर नहीं लर्न है तो पता होनी चाहिए अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। वो इसमें पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 282.8 अपॉन 1.414। आंसर आ जाएगा हमारे पास 200 न्यूटन। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है 200 न्यूटन, बी ऑप्शन है 100 न्यूटन, सी ऑप्शन है 10 न्यूटन, डी ऑप्शन है 140 न्यूटन। तो जो हमारा सही आंसर है ए, 200 न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि एक शिप है जिसका मास 3×10⁷ kg है, वो रेस्ट पे है एंड इट इज़ पुल्ड बाय ए फोर्स 5×10⁴ newton। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दिया होता है वो लिख लेना चाहिए हमको, मास दिया है 3×10⁷ kg मास दिया है। सेकंड ऑप्शन में फोर्स दी है, फोर्स कितनी दी है 5×10⁴ newton। डिस्टेंस दिया है एस इज इक्वल टू 3 meter। सबसे पहले नाइन्थ क्लास पे जाते हैं इसको रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि नाइन्थ क्लास में जो मोशन चैप्टर है उसमें जो फार्मूले हैं, तीन फार्मूले वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, वी इज इक्वल टू यू प्लस 280 यू प्लस 80 एंड एस जिकल यू टी प्लस 1/2 AT². तीन फार्मूले मोशन के, वो आपको स्टडी किए होने चाहिए तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं फार्मूला लगाता हूँ, एफ जिकल एम ए, फोर्स जिकल मास इंटू एक्सलेशन। फोर्स की वैल्यू दी है हमें 5×10⁴ newton, मास दिया है 3×10⁷ kg इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन रह जाएगी हमारे पास आंसर का 5×10⁴ upon 3×10⁷। कुछ जीरोस कट जाएंगी, यहाँ बचेगा हमारे पास 3, देखा 5×3000। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सलेशन ए जिकड़ो देखा 5, उसके बाद हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं v square माइनस u square इजिकल टू 2as। ये हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें जीरो दी है क्योंकि हमको स्टार्टिंग में कहा गया है कि जो शिप है वो रेस्ट पे है, इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2×acceleration 5×5/3000 इंटू एस 3 meter। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 0.1 meter per second। चार ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है 1.5 meter per second, बी दिया है 60 meter per second, सी है 0.1 meter per second, डी ऑप्शन है 5 meter per second। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी, 0.1 meter per second। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 10। इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg per second। This fuel is ejected from the rocket with a speed of 60 km/s. This exerts a force on liquid rocket which is equal to, सबसे पहले हमें क्या दिया है, फ्यूल इजेक्टेड बाय रॉकेट या फ्यूल इजेक्टेड पर सेकेंड कितना दिया है हमें 1 kg per second। नेक्स्ट है वेलोसिटी दी है हमें, वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 60 km/s, 60 km/s। अब फॉर्मूला क्या है, 60 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कीजिए, ये देखा 60,000 m/s। अ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को देखें, इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी माइनस यू। तो वी है हमारे पास 60,000 m/s माइनस जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा 60,000 m/s।
फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम बी, एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है एम इज इक्वल टू ये देगा वी माइनस यू अपॉन टी। अब फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एम अपॉन टी या मास पर सेकंड, मास पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मास पर सेकंड। अगर हम इस पे देखें तो मास पर सेकंड हो जाएगा 1 kg है, 1 meter, 1 kg पर सेकंड, तो 1 आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है 60,000 मीटर पर सेकंड, तो फोर्स आ जाएगी रॉकेट पे कितनी लगेगी 60,000 न्यूटन। चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 6,000 न्यूटन, बी ऑप्शन है 60,000 न्यूटन, सी ऑप्शन है 60 न्यूटन, डी ऑप्शन है 600 न्यूटन। तो जो हमारा सही आंसर है वो है बी 60,000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन भी लाइट चैप्टर से है जो कि आपने 10th में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो 10th की बुक को फॉलो कीजिए, उसमें लाइट चैप्टर को स्टडी कीजिए, जो उसमें मिरर्स हैं कौन, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है मिरर विच इज़ यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर्स। तो डेंटल डॉक्टर छोटी सी बड़ी चीज़ को देखने के लिए यूज़ करते हैं, दांतों के अंदर बड़ा सा डिफेक्ट देखने के। तो सब ऑप्शन है हमारे पास कनकेव, बी ऑप्शन है कन्वेक्स, सी ऑप्शन है प्लेन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है कॉनकेव मिरर। डेंटल डॉक्टर जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं दांतों के अंदर, दांतों को देखने के लिए, डिफेक्ट्स देखने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द टाइम टेकन बाय वीनस टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द सन, चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन 210 days, बी ऑप्शन 225 days, सी ऑप्शन 243 days, डी ऑप्शन 284 days। सही आंसर है बी 225 days अप्रॉक्सीमेटली, अदरवाइज ये 224.8 के अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन इसको हम राउंड फिगर में 225 डेज ही काउंट करेंगे। तो सही आंसर है कि जो वीनस है शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य के घूमने के, सूर्य के आसपास घूमने के लिए 225 डेज जो है वो यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कंसलेशन है सप्तऋषि, जिसको हम नॉर्मल भाषा में सप्तऋषि बोलते हैं, उसको जो दूसरा नाम है वो कौन सा है। चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिग डाइपर, बी ऑप्शन है ग्रेट बियर, सी ऑप्शन है उर्सा मेजर एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है ग्रेट बियर, बी ऑप्शन। ग्रेट बियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हेलीज कॉमेट जो है विजिबल ऑन अर्थ आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ, चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन 96 ईयर्स, बी ऑप्शन 66 ईयर्स, सी ऑप्शन 76 ईयर्स, डी ऑप्शन एनी टाइम। तो इसका जो सही आंसर है वो सी 76 ईयर्स। हेलीज कोमेट पुच्छल तारा, जिसको हेलीज पुच्छल तारा भी बोलते हैं, जिसकी पूंछ दिखाई देती है, वो हर 76 साल बाद जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है 76 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट्स, जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। चार ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड नन ऑफ दीज। तो जो हमारा सही आंसर है वो है डिस्प्लेसमेंट, ए ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स आपने अभी कुछ क्वेश्चंस जो थे वो देखे, जिसमें हमने फिजिक्स का सॉल्व किया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, जिसमें आपने देखा कि कौन से क्वेश्चन 11th से आए हैं, कौन से क्वेश्चन 12th से आए हैं, 10th से और 9th से। इन चारों बुक्स को स्टडी नहीं करेंगे तो हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे सॉल्यूशन जो हैं लगभग न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले हैं। स्टडी नहीं करेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो इसका जो बाकी पार्ट्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो भी आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नई नोटिफिकेशन जो है, नया वीडियो जो है, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी लाइक करने को बोलिए और उनको सब्सक्राइब करने को बोलिए।